एस्पिरेंट, सो फ्रॉम इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक थ्री डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। जो आज पढ़ने वाले हैं वो होगा सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट धमतरी, देन सेकंड डिस्ट्रिक्ट वी विल स्टडी अबाउट गरियाबंद, और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे महासमुंद के बाद। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे रिवर पढ़ने वाले हैं, और काफी चीजें हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे आज की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच वी आर गोइंग टू फाइट। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो पुरानी क्लासेस में कुछ भी डाउट लग रहा हो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और कुछ क्लासेस चाहिए आप लोगों को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, वी विल ट्राई टू मेक दोस क्लासेस। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धमतरी। ठीक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले वी विल सी द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो कौन सा नेशनल हाईवे पासेस थ्रू धमतरी? The National Highway which passes through Dhamtari is National Highway 30. ठीक है, National Highway 30. तो National Highway 30 हम अब बना लेंगे। चलिए, let's make the National Highway 30. This is the National Highway 30. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिवर, द रिवर्स पासिंग थ्रू धमतरी। देयर आर थ्री रिवर्स दैट आर पासिंग थ्रू धमतरी, आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले इज द महानदी, द सेकंड इज सोंदूर, एंड द थर्ड वन इज सिलियारी। सिलियारी इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। सिलियारी जो है महानदी में ही जाके मिलती है, और सोंदूर जो है आपकी एक और नदी है, इनमें हम लोगों ने डैम भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस थ्री रिवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सिहावा नगरी से निकली और ये आपकी महानदी फ्लोइंग थ्रू द मिडिल ऑफ धमतरी, और वहीं पे आपका यहाँ पे मिलती है धमतरी में कौन सी नदी महानदी से आके, तो यहां मिलेगी सिलियारी जिसपे मॉडर्न सिल्ली डैम है। आफ्टर दैट आपका थर्ड रिवर जो है वो भी यहां से निकलता है और यहां से टर्न होते हुए आपका ऐसा चला जाता है। ये कौन सा रिवर है? सोंदूर रिवर। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमने तीनों चीजें देखी है। दिस इज नेशनल हाईवे 30, आफ्टर दैट दिस इज महानदी। मैंने आपको बोला कि सिलियारी इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इट इज वेरी ज्योग्राफिकल टर्म। देखिए, कोई भी रिवर है, एक रिवर बना लेते हैं हम लोग ऐसे ही यहाँ पे, चलिए ये एक रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस रिवर इज फ्लोइंग, और यहां से एक रिवर इसमें आके जुड़ रहा है, इधर से एक रिवर जुड़ रहा है। ठीक है, तो दीज बोथ द रिवर वन एंड द रिवर टू आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ए। ठीक है, अगर ये रिवर का नाम ए है तो ट्रिब्यूटरी होगा ये दोनों। अब ये जो रिवर है कहीं इधर फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं इस डायरेक्शन में कहीं फ्लो कर रहा है, तो ये होगा आपका इस रिवर का राइट हैंड। आपका जैसे आप रिवर है तो राइट हैंड डायरेक्शन है, एक लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, तो जो भी आपके राइट में खड़ा आप बोल सकते हैं राइट में कौन है, ये राइट के लोग हैं और ये लेफ्ट के लोग हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, जो आपका रिवर जो मेन फ्लोइंग रिवर है उसका जो राइट से आके जुड़ती है रिवर, उसको हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और वैसे ही जो लेफ्ट से आके रिवर जुड़ती है, जो लेफ्ट से आके रिवर जुड़ती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दिस आर द लॉजिकल थिंग्स दैट आर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ड्रेनेज सिस्टम, और ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने यूज किया था टर्म। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट रिवर इज सोंदूर, दिस इज सोंदूर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ये तीनों रिवर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन से जगह है द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ धमतरी, दैट इज धमतरी। ये आपका नेशनल हाईवे 30 पे पड़ता है। उसके बाद आपका पड़ेगा यहाँ क्या, धमतरी में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपका क्या पड़ता है, कुरुद। तो ये यहाँ कुरुद हो गया। ठीक है, धमतरी हम लोग देख लिए, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना जो मैंने डब्बा बनाया हुआ धमतरी। आफ्टर दैट वी विल सी टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ धमतरी दैट आर बंजारी एंड बागोत। देखिए, धमतरी में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कोई राइस मिल कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें। बंजारी, सबसे पहले बंजारी, तो बंजारी का इंपॉर्टेंस क्या है? बंजारी जो है ये जगह पे आपका है हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वो धमतरी में है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या बंजारी में क्या है, ऐसा क्वेश्चन उल्टा पूछ दे चार जगह देखे तो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है वहां। धमतरी इज हैविंग द मेगा फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो द ड्राई फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मेगा फूड पार्क जो छत्तीसगढ़ का आपका धमतरी में है वो बागोत में है, और ड्राई फूड पार्क दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क ऑफ इंडिया एंड द लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ वो आपका सेमरा ग्राम, सेमरा विलेज में। वहां मैं आपको बताऊंगा, ये बागोत का सबसे पहले लिख लीजिए। बागोत में मैंने क्या बताया आपको,
मेगा फूड पार्क, ठीक है, इट इज बिगेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिगेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, तो मेगा फूड पार्क। वैसे ही मैंने क्या बताया आपको, एक यहां लिख लीजिए ड्राई फूड पार्क के बारे में, कि सेकंड बिगेस्ट ड्राई फूड पार्क, ड्राई फूड पार्क ऑफ इंडिया एंड बिगेस्ट ऑफ ड्राई फूड पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है, सिमड़ा विलेज में, ठीक है, एंड इट इज प्रपोज्ड, सबसे बात है ये प्रपोज्ड है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट धमतरी। तो धमतरी एज अ प्लेस इज ऑल्सो अ नगर निगम, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, अब 15 हो जाएंगे महासमुंद बनने के बाद, दैट इज ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए धमतरी से इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्या हो गया, इट इज अ नगर निगम। ऑल्सो बैम्बू म्यूजियम सिचुएटेड देयर, बैम्बू म्यूजियम बनेगा भी वहां, ठीक है, बैम्बू का बैम्बू म्यूजियम अलग अलग प्रकार के बैम्बूज के लिए, एंड दैट इज प्रपोज्ड, दैट इज प्रपोज्ड, आपको पता होना चाहिए प्रपोज्ड है वो, ठीक है। ऑल्सो राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है छत्तीसगढ़ में, आपके क्वेश्चन में आता है, तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स इज इन धमतरी। ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स आर देयर इन धमतरी, क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स, तो छत देखिए धमतरी में मैंने आपको बताया तीन नदियां जा रही हैं, क्या क्या, महानदी, सोंदूर, सिलियारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं महानदी में दो इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज रुद्री बैराज एंड द सेकेंड इज गंगरेल डैम। तो सबसे पहले क्या यहां पे आपका आएगा, रुद्री बैराज बिल्ट इन 1915, 1915 में ये बना, एंड इट इज द फर्स्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बोल सकते हैं आप इसको, क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बनते हैं, रुद्री बराज है कहाँ, रुद्री बराज बना कब, और विच इज द फर्स्ट डैम ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको पता होना चाहिए रुद्री बराज। सेकेंड इज यहाँ पे आपका पड़ेगा, दैट इज गंगरेल डैम, गंगरेल डैम इज हैविंग द, गंगरेल डैम इज हैविंग द बिगेस्ट मैन मेड बीच ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि नाम जिसका दे दिया गया है, मिनी गोवा ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है किसको, गंगरेल डैम को, और इसी का नाम है आज पंडित रविशंकर शुक्ला जी के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला जी के नाम पे, आपको ये पता होना चाहिए, इट इज द बिगेस्ट मैन मेड बीच ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया ये यहां गंगरेल डैम में, ठीक है। आफ्टर दैट सिलियारी रिवर के ऊपर आपका यहां है मॉडम सिल्ली डैम, क्या है मॉडम, ये आपका 1923 में बना था, ठीक है, ऑन सिलियारी रिवर, और आपको पता होना चाहिए अब जो है मॉडर्न सिल्ली डैम का नाम बदल दिया गया है और रख दिया गया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। अब आप बोलेंगे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का है, तो उसी से आपको एक जगह में लेके चलता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज कांडेल, यहां पे पड़ेगा कांडेल। अब कांदेल कैनाल सत्याग्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में, कांदेल नहर सत्याग्रह, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझान लेते हैं। तो आपको ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जिसके नाम पे मॉडम सिल्ली डैम को रख दिया गया है, अब द नेम हैव बीन चेंज्ड, अब इसके बारे में आपको समझ आएगा कि क्यों, ही बिलोंग टू धमतरी और ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो कांदेल नहर सत्याग्रह के बारे में आपको इंपॉर्टेंट कांदेल से है कि कांदेल कनाल सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1920, कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था ये। अब हुआ क्या था यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर सत्याग्रह वाज टू अपोज द टैक्स, टू अपोज द टैक्स इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर, इंपोज्ड बाय ब्रिटिशर ऑन यूसेज ऑफ कनाल, जो कनाल होते हैं नहर होते हैं गांव में, उनको उनके ऊपर टैक्स लगा रहे थे कौन, ब्रिटिशर्स, तो इस टैक्स को अपोज करने के लिए सत्याग्रह किया गया। अब इस सत्याग्रह में होता क्या, 1920 में देखिए, जो बाबूलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव वॉज द लीडर ऑफ दिस कांडेल नहर सत्याग्रह, देयर वॉज नारायण राव मेघावले एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट इज सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा जी ऑल्सो कॉल्ड एज गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, इन्होंने बुलाया किसको, महात्मा गांधी जी को, ठीक है, किसके लिए, कांदेल नहर सत्याग्रह को लीड करने के लिए। बट आपको एक यहाँ पे कैच है कि कांदेल नहर सत्याग्रह के लिए गांधी जी आए और उसके आने के पहले, उनके आने के पहले ही कांदेल नहर सत्याग्रह वॉज ओवर,
जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी जी वहां से निकल गए हैं और आ रहे हैं किसके लिए, सत्याग्रह के लिए, तो ये मूवमेंट जो है पैन इंडिया मूवमेंट ना बन जाए उसके लिए इन्होंने सत्याग्रह में जो मांगे थी इनको मान ली और सत्याग्रह एंड कर जाता है। तो ये बाबूलाल श्रीवास्तव यहां से आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन इंपॉर्टेंट तीन लोग हैं, बाबू, छोटेलाल, श्रीवास्तव, आप लिख लीजिएगा पूरा। देन द नेक्स्ट इज नारायण राव मेघावले एंड थर्ड इज सुंदर लाल शर्मा, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इज गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा जी को गांधी जी ने अपना गुरु भी बोला था, मैं बताऊंगा जब आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट इज यहां पे आपका है सिहावा नगरी, ठीक है। हमें तीन डैम कौन कौन से देख लिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये तीन डैम देखे गए, रुद्री बराज, गंगरेल डैम, देन ये मॉडर्न सिली डैम एंड सोनदुर के ऊपर हमने नहीं देखा। यहाँ पे एक डैम हमको देखना है और वो डैम होगा आपका, क्या डैम होगा वो, तो आपका डैम है सोनदुर डैम, सोनदुर परियोजना जिसको बोलते हैं, तो ये सोनदुर डैम हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू धमतरी। धमतरी में दो इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं, दैट इज जी जामगांव एंड श्याम तरई, तो ये यहां पड़ता है आपका श्याम तरई एंड यहाँ पे आपका जी जाम गांव, ठीक है। और क्या चीज है यहाँ पे फिर, हाँ यहाँ पे आपका एक जगह पड़ता है मगरलोड, ठीक। ऑल्सो मैंने आपको और क्या चीजें बची इसमें, हाँ ठीक है, हमने सिलियारी रिवर के बारे में बात कर लिया, इंडस्ट्रियल प्लेस के बारे में बात कर लिया, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द गंगरेल डैम्स बीच, दैट इज द बिगेस्ट मैन मेड बीच ऑफ छत्तीसगढ़। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्सो आपको एक चीज बता देता हूं, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धमतरी एज अ डिस्ट्रिक्ट जिसके इंटर स्टेट बाउंड्रीज दूसरे स्टेट से कनेक्ट होते हैं उनमें से है, और धमतरी इज द डिस्ट्रिक्ट विच इज हैविंग द लीस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री, लीस्ट इंटर स्टेट शेयरिंग बाउंड्री, छोटा सा ही जगह उड़ीसा से इंटरस्टेट बाउंड्री टच करता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट मतलब इंटरस्टेट बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ का, तो द डिस्ट्रिक्ट विल बी धमतरी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज द टेम्पल्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द टेम्पल, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ धमतरी आपको पता होने चाहिए। और ये तीन इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए बिलाई माता टेम्पल, ठीक है, द नेक्स्ट इज अंगार मोती टेम्पल। क्वेश्चन सीधा पूछता है कि अंगार मोती कहां है, बिलाई माता मंदिर कहां है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देन द लास्ट इज तेलीन सत्ती, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि तेलीन माता टेम्पल मैंने बताया था आपको कांकेर में, जब हम लोग कहाँ चढ़ते हैं केशकाल घाटी में, तो वहां एक तेलीन माता टेम्पल है, तो जी हाँ वहां एक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तेलीन माता टेम्पल है कांकेर में केशकाल घाटी में, जब आप चढ़ते हैं तब उसमें जो 12 मोड़ है उसपे एक सेंटर पे पड़ता है पांचवें छठे मोड़ के बाद, और ये जो है आपका तेलीन सत्ती टेम्पल है और ये सिचुएटेड है आपका धमतरी में, ठीक है। द नेक्स्ट इज कर्णेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव कहां है, सिहावा नगरी में, कर्णेश्वर महादेव कहां है, सिहावा नगरी। अच्छा मैंने मैप में आपको एक चीज नहीं बताया यहां पे, क्या सिहावा नगरी के नीचे मैं श्रृंगी ऋषि आश्रम लिख लीजिए, श्रृंगी ऋषि आश्रम, ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि आश्रम आपका सिहावा नगरी में, ठीक है, और सिहावा नगरी में मैंने आपको आपको बताऊंगा अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिहावा नगरी से। यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट आप आश्रम लिख सकते हैं जो धमतरी में सिचुएटेड है, वो है आपका, एक तो हमने सिंगी ऋषि पढ़ लिया और उसके बाद सेंट अंगा का है, ठीक है, और दूसरा है अगस्थ्या का, तीन है अंगा अगस्थ्या लोमस ऋषि, ठीक है, तो एक हमने जो ये पढ़ लिया हमने क्या सिंगी ऋषि आश्रम, तो यहाँ पे और आपको पढ़ना है सेंट अगस्त्य और फिर आएगा एक सेंट लोमस, ठीक है, तो तीन चार टाइम चार हमने आश्रम देख लिए यहाँ पे है, ठीक है। नाउ आपको हम लोगों को मैं आपको मेरे को बताना है दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें बची हुई हैं, जो है आपका एक
सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट जंगल सत्याग्रह मेरे को बताने हैं आपसे धमतरी से, ठीक है। और इसके बाद हमको एक देखना है यहाँ पे क्या सेंचुरी, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़, वो है क्या उदंती सीता नदी सेंचुरी। तो उदंती सीता नदी का सीता नदी वाला पार्ट इज इन द धमतरी, सीता नदी सेंचुरी, ठीक है, सीता नदी सेंचुरी सिचुएटेड यर, और उदंती सीता नदी दोनों मिलके टाइगर प्रोजेक्ट है आज की डेट में, जो 2009 में डिक्लेयर हुए थे, ठीक है। तो ये आपका जो इलाका है ये आपको ग्रीन में दिख रहा है, दैट इज उदंती सीता नदी, ठीक है। नाउ आपको मैं और कुछ मैं क्या बताने वाला था, हाँ एक आपको इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए कि त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर, त्रिफला इज अ मेडिसिनल हर्ब, तो त्रिफला प्रोसेसिंग सेंटर इज देयर इन धमतरी ओनली, अगर क्वेश्चन में आता है तो, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्री जंगल सत्याग्रह, ठीक है, जंगल सत्याग्रह। द फर्स्ट जंगल सत्याग्रह ऑफ छत्तीसगढ़ टुक प्लेस इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट एंड दैट सत्याग्रह वॉज इन द प्लेस कॉल्ड सिहावा नगरी इन 1920। द सेकेंड सत्याग्रह वॉज देयर इन गट्टा सिल्ली, जो भी जो कि धमतरी में ही है, और वो 1930 पे होता है सीधा, सॉरी मैंने जंग सिहावा नगरी सत्याग्रह 1922 में होता है, 1920 में कांदेल नहर सत्याग्रह हुआ, उसके बाद फिर आपका जंगल सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह कौन सा है क्वेश्चन में पूछेगा, तो इट इज कॉल्ड है सिहावा नगरी सत्याग्रह, जो टुक प्लेस करता है 1922 में। और आपको पता होना चाहिए लीडर्स कौन कौन से थे, तो जो आपका सिहावा नगरी सत्याग्रह है उसमें वही तीन लीडर्स हैं जो कांदेल नहर सत्याग्रह में थे, ठीक है। एंड दीज थ्री लीडर्स वर नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी एंड सुंदरलाल शर्मा। तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ सिहावा नगरी सत्याग्रह टुक प्लेस इन धमतरी इन फर्स्ट 21st of January 1922। द लीडर वर नारायण राव मेघावले, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एंड सुंदरलाल शर्मा। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग फुल लिखिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज, मैंने बताया आपको गट्टा सिल्ली, द लीडर ऑफ गट्टा सिल्ली सत्याग्रह वॉज नारायण राव मेघावले, और ये कब होता है 1930 में, तो नारायण राव मेघावले। कंफ्यूज मत होइएगा कि तीनों इसमें नहीं है ना, सिहावा नगरी में तीनों का नाम है, इसमें सिर्फ नारायण राव मेघावले जी हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव सत्याग्रह, ये भी होता है आपका 22nd of August 1930 में। और यहाँ पे आपको एक नया नाम मिलेगा जो है नत्थू जी जगताप, तो नत्थू जी जगताप वॉज द लीडर ऑफ द सत्याग्रह, नत्थू जी जगताप, ठीक है। चलिए तो हमने धमतरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स पढ़ लिए, आप लोग ये मैप को एक बार देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन में है, अगर आप लोग को बनाना है तो पॉज करके इसको बना लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज से, कुछ भी छूटा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे की क्लासेस में बता दूंगा कि धमतरी से रिलेटेड मेरे हिसाब से तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए होता क्या है ना, स्मार्ट स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी तो आप कर सकते हैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट हो, रायपुर डिस्ट्रिक्ट हो, दुर्ग, आप जितना पढ़ना चाहें उतना कम है एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। बट आपको ये समझना होगा कि जो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। आप 100% कभी पढ़ के नहीं जा सकते, बट आप 85-90% ऐसा क्रिस्प पढ़ के जाइए जिससे आपको पता है कि क्वेश्चन माइट बी देयर, क्वेश्चन विल बी देयर, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीज जितना आपको नोट्स प्रिपेयर हो गया है, अगर आप इसको पढ़ के जा रहे हैं तो डैम श्योरली यू विल बी एबल टू क्रैक 75-90% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं क्यों इसलिए बोला 75-90%, कुछ चीजें याद नहीं आई आपको, बट 75% भी याद आ गई आपको, तो इट इज यू आर एबल टू क्रैक द पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड गरियाबंद, हम लोग पढ़ेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो गरियाबंद के बारे में, ठीक है। गरियाबंद से तीन इंपॉर्टेंट रिवर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वो है महानदी, सोंदूर, पैरी, ये तीनों की तीनों रिवर जाके मिलती है राजिम में, जहां होता है पुन्नी मेला, जिसको बोलते हैं कुंभ मेला, जिसका नाम 2019 में चेंज करके रख दिया गया पुन्नी मेला, तो ये इंपॉर्टेंट है धमतरी से। तो सबसे पहले हम लोग यहां बनाते हैं नेशनल हाईवे, जैसे हर क्लास में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम बनाते हैं, तो नेशनल हाईवे कौन सा पास करता है, तो नेशनल हाईवे NH-130C पासेस थ्रू राजिम। आफ्टर दैट वी विल मेक द थ्री रिवर्स विच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज महानदी, द फर्स्ट रिवर इज महानदी, इसी में फिर दो रिवर आके मिल जाती हैं,
सेकेंड इज सोंदूर, ठीक, एंड थर्ड इज पैरी। यहां से निकलती है मैनपुर से और जाके जुड़ जाएगी इधर, ठीक। चलिए तो ये तीन रिवर हमने बना लिए। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 130C। आफ्टर दैट दिस रिवर इज महानदी, महानदी। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बनता है, राजिम इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ थ्री रिवर, कौन कौन से रिवर? महानदी, सोंदूर, पैरी। आपको ये पता होना चाहिए, रट लीजिए, रट लीजिए ये सब चीजों को, ठीक है, रट लीजिए। सोंदूर एंड दिस इज पैरी। कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी महानदी की? सोंदूर और पैरी, ये मेरे को आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इसमें अगर महानदी यहां फ्लो कर रही है तो कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पे आपका है गरियाबंद पड़ेगा, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट तीनों का, ये आपका है राजिम, ठीक, ये गरियाबंद हो गया, ये यहां से पैरी निकलती है मैनपुर, ठीक। इसके बाद और क्या है? हाँ चलिए, राजिम से रिलेटेड मैं बहुत सारे आपको फैक्ट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले राजिम हमने लिख लिया है ना, तो राजिम से ही क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। राजिम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो एंशियंट टाइम में पद्मा क्षेत्र, अगर क्वेश्चन में आता है पद्मा क्षेत्र किसको बोला जाता था, या फिर देवपुर, तो दीज बोथ नेम वर ऑफ राजिम, किसके थे? राजिम के थे, ठीक है। राजिम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो कॉल्ड एज त्रिवेणी संगम। इसमें कौन कौन सी रिवर आके मिलती है? सोंदूर, पैरी एंड महानदी, ठीक है। फिर यहां पे आपका पंचकोशी धाम का जो सेंटर है वो भी यहीं एग्जिस्ट करता है, कहां? राजिम में। उसका नाम क्या है? कुलेश्वर महादेव। सेंटर ऑफ पंचकोशी धाम, ठीक है। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल, दैट इज राजीव लोचन टेम्पल। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रसाद मिलता है जो बहुत छत्तीसगढ़िया डिश है, दैट इज पीढ़िया, यहां प्रसाद मिलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं पूछ दिया तो। एंड राजीव लोचन टेम्पल वॉज बिल्ड बाय विलासतुंग, दैट वॉज फ्रॉम नलनाम डायनेस्टी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राजीव लोचन टेम्पल कहां है, तो राजिम में है, ठीक है। किस नदी के तट पे है? तो महानदी के तट पे है। आफ्टर दैट किसने बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए, नलनाम डायनेस्टी के रूलर ने, विलासतुंग ने बनाया था। आफ्टर दैट किस स्टाइल में बना हुआ है वो? तो पंचायतन स्टाइल। देखिए 6 से 7 क्वेश्चन एक टॉपिक से आप लोगों को यहां पे समझ आ रहा होगा कि मिल रहे हैं, ठीक है। विलास तुम ऑफ नलनाग डायनेस्टी, ठीक है, नलनाग इन पंचायतन स्टाइल। मैं आपको कहीं चाहिए तो मेरे को बताइए, क्वेश्चन में मैं अलग से जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा जो द्रविड़ा स्टाइल, नगरा स्टाइल, पंचायतन स्टाइल, सोलंकी स्टाइल, उड़िया स्टाइल, सारे स्टाइल के ऑफ टेम्पल वी विल स्टडी, विसरा स्टाइल, ठीक है, चैतन्य स्टाइल। तो मैं आप लोगों को उस टाइम सारे स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बताने की कोशिश करूंगा। ऑल्सो राजिम इज इन एडेड इन राम वन गमन पथ, ठीक है। तो आप लोगों को इतना कुछ समझ आ गया होगा यहां से राजिम से रिलेटेड। अब राजिम में आपको क्या होता है, हर साल पुन्नी मेला होता है, पुन्नी जो कुंभ मेला होता है उस, वो कब से कब होता है? तो ये होता है आपका माघ पूर्णिमा से, हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है माघ पूर्णिमा से टू महाशिवरात्रि, ठीक है। कभी जाइए वहां पे, आपको बहुत ही एक मेला दिखेगा, बहुत बड़ा और काफी अच्छा एक माहौल रहता है वहां पे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे राजिम के बारे में हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक। और यहाँ पे भी पंचकोशी धाम है, अब पंचकोशी धाम के बारे में मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो हम लोगों ने पढ़ा था उदंती सीता नदी, तो यहाँ एक सेंचुरी पड़ता है जो कि आपका है ये उदंती सीता नदी का, उदंती दैट इज 1983 में बनता है, और ये किसके लिए बना था? उदंती सेंचुरी वॉज बेसिकली मेड फॉर वाइल्ड बफेलोज, ठीक है, वाइल्ड बफेलोज। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इसको कब बनाया गया था, मैंने आपको बताया वो सीता नदी के साथ मिला के 2009 में, ठीक है, 2009 में। तो ये उदंती सेंचुरी हो गया आपका, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या बचा है इससे, हाँ डायमंड।
आपको पता होना चाहिए गरियाबंद में डायमंड भी मिलता है। तो क्वेश्चन में कहीं पूछता है डायमंड कहाँ मिलता है, तो डायमंड आपका गरियाबंद में मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देवभोग एक जगह है, पर्वत द्वारक्स जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू गरियाबंद। ये तो राजिम की बात हो गई, अब गरियाबंद से आप क्या क्या बात जानते हैं। यहाँ पे आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट, तीन से चार यहाँ महादेव है जो एग्जिस्ट करते हैं, वो आप लिख लीजिए गरियाबंद। ठीक है, तो गरियाबंद में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से महादेव हैं, तो भूतेश्वर महादेव। अब जो भूतेश्वर महादेव हैं इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग। अब भूतेश्वर महादेव जो है सबसे बड़ा शिवलिंग है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, दैट इज नेचुरल, नेचुरल सबसे बड़ा वर्ल्ड का शिवलिंग भूतेश्वर महादेव में है। और इसमें बोला जाता है कि शिवलिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो हाइट ऑफ शिवलिंग है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ है भूतेश्वर महादेव, कहाँ है, ये गरियाबंद में है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सोमेश्वर महादेव, नेक्स्ट इज उमा महेश्वर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फडनेश्वर महादेव। ये आपका कहाँ है, फिंगेश्वर में है। ठीक है, फिंगेश्वर में है। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, मैंने डायमंड आपको बताया कहाँ है, डायमंड मिलता है गरियाबंद में, वैसे ही कुछ कुछ मिनरल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो मिनरल, तो देयर आर डायमंड रिजर्व इन, डायमंड रिजर्व ठीक है, कहाँ मिलता है आपको, ये आपका गरियाबंद में मिलता है डायमंड रिजर्व का। और कौन कौन से जगह है जहां मिनरल मिलता है गरियाबंद में, तो आपको पता होना चाहिए बहराड़ी, पयाली, खंड। ठीक है, ये सारी जगह है जो मिलता है। द नेक्स्ट इज वी हैव गार्नेट रिजर्व्स, गार्नेट रिजर्व्स, ये डायमंड यहां यहां मिलता था, बहराड़ी, पयाली, खंड, काटमलई, ये सब जगहों में मिलता है। ठीक है, देन वी हैव गार्नेट रिजर्व्स। द नेक्स्ट इज एलेक्जेंड्रियाइट, एलेक्जेंड्रियाइट रिजर्व, ये कहाँ मिलता है, जो मैंने देवभोग बताया ना, कोई देवभोग यहाँ पे जो है, ये देवभोग यही आपका एलेक्जेंड्रियाइट रिजर्व्स हैं। एलेक्जेंड्रियाइट जो ब्लू ग्रीन टाइप का एक वो होता है, इसको कर्ज डायमंड, पुअर डायमंड भी बोलते हैं, तो ये देवभोग में मिलता है आपको। ठीक है, डायमंड ऑफ पुअर और कर्ज डायमंड बोला जाता है इसको। ऑल्सो ना हम लोग गरियाबंद से सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, देखते हैं आपको छूटा तो नहीं है, नहीं गरियाबंद में हो गया। सो गाइस, एक चीज और है कि जैतमई घटा रानी, जैतमई घटा रानी जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है जो कि है कहाँ पे, आपका गरियाबंद में एग्जिस्ट करता है। तो ये आप लिख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लोग जो है घूमने जाते हैं जैतमई घटा रानी। तो लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जो पढ़ेंगे दैट विल बी महासमुंद। इससे बहुत सारे फैक्ट्स हैं महासमुंद से, क्योंकि यहाँ सिरपुर एक आता है और सिरपुर में ही कम से कम 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं द डायनेस्ट, द डिस्ट्रिक्ट नेम्ड इज महासमुंद। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं क्या, जैसे हर क्लास में बनाते हैं नेशनल हाईवे। जब तक नेशनल हाईवे नहीं बनेगा हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कैसे करेंगे फिर। हाँ, तो नेशनल हाईवे 53 पासेस थ्रू महासमुंद। ठीक है, नेशनल हाईवे 53 पास करता है महासमुंद से। आपको पता होना चाहिए कि महानदी इज द बॉर्डर, जो महानदी है वो बॉर्डर बनाते हुए जाता है महासमुंद का। यहाँ नीचे राजिम है, राजिम के ऊपर आपका क्या है, महासमुंद है गरियाबंद के, तो ये आपका महानदी है। और ये महानदी यहाँ महासमुंद से ऊपर निकलेगा, फिर ये जाएगा कहाँ, बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से होते हुए मुड़ के शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से होते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बाहर निकल जाता है उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया महानदी। आफ्टर दैट वी हैव टू इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पे आएगा जोंक एंड लात, यहां से निकलती है जोंक एंड लात। ठीक है, कहां से निकलती है, पिथौरा। अब एक और इंपॉर्टेंट आएगा आपका यहाँ पे कुदार, कुदार कुदार डैम वहां पे बन है। तो यहां सबसे पहले एक नेशनल हाईवे बनाते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे अपन, दो नेशनल हाईवे यहां से पास करते हैं ना, तो इस रंग से बनाते हैं चलिए नेशनल हाईवे को। ये नेशनल हाईवे आपका NH 353 है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। ठीक, तो ये आपका मैंने आपको बताया नेशनल, नेशनल हाईवे ये आपका कौन सा हो गया, 53। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, नेशनल हाईवे 353। और ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा भवानीपटना, तो भवानीपटना में ना, भवानीपटना वहां से आता है। ठीक है, उड़ीसा भवानी पटना। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे रिवर बना रहे थे ना, यहाँ पे आप एक और बना सकते हैं, लात रिवर। लात रिवर भी है, लात नहीं, लात रिवर तो मैंने बता दिया आपको, दो रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या, महानदी, जोंक, लात, पिथौरा, सराईपाली। ठीक है, यहाँ आपका महासमुंद, ये सारे प्लेसेज हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ इसमें, और ज्यादा कुछ बताने का नहीं। महासमुंद के आगे आपको पड़ेगा फिर बाघ बहरा, घोड़ारी। ठीक है, कुदार नहीं बताया ना मैंने, कुदार, कुदार यहां से आपका निकलेगा, ये आपका कुदार। ठीक है, कुदार, यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह डैम है, कहाँ, कुदार में, कुदार रिवर में। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह कुदार, उसका नाम कुदार डैम है, उसको अब नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, देन और क्या इंपॉर्टेंट, हाँ बसना, देन वी हैव खल्लारी, और उसके बाद आपका यहाँ पे एक हिल पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ए शिशुपाल हिल, और जो लात रिवर है वो रदन हिल से निकलती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, लात रिवर रदन हिल, तो यहीं पे वो। यहाँ पे आपका रदन, रतन हिल, मान लीजिए पूरा इलाका रतन हिल का है, यहाँ पे आपका है कौन सा, शिशुपाल हिल्स। तो अगर क्वेश्चन ने पूछता है कि दो हिल जो आपके कहाँ पे हैं, महासमुंद में है, तो वो आपको पता होना चाहिए, रतन हिल्स एंड शिशुपाल हिल्स आर देयर। देन आपका एक इंपॉर्टेंट जगह मैंने कुदार बता दिया, पिथौरा, बसना। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपका सारंगढ़, एक और नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 153, ये भी यहां से निकलती है। सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं बना रहा हूं तो बता ही देता हूँ आपको, ये जो सराईपाली है ना, सराईपाली के पास से एक नेशनल हाईवे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल हाईवे 153, और ये कहाँ जाता है, नेशनल हाईवे 153, और ये जाएगा आपका सारंगढ़ रायगढ़ की ओर, सारंगढ़ रायगढ़। ठीक है, ये उड़ीसा निकल जाएगा इसके आगे फिर जाके। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे इंपॉर्टेंट जगह। और ना नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, गुच्चा पाली, गुच्चा पाली, यहाँ आपका चंडी माता टेम्पल है, चंडी माता टेम्पल, बहुत बहुत ही फेमस टेम्पल है चंडी माता टेम्पल। ठीक है, ना आपको यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बारनवापारा सेंचुरी, तो यहाँ बारनवापारा सेंचुरी यहाँ पे बना लीजिए आप, ये जो इलाका है दिस इज कॉल्ड एज बार, बहुत अच्छी जगह है, कभी आप लोगों को जाना है, लोग कान्हा किस लिए जाते हैं और सारी जगह जाते हैं, तो लेट गो एंड विजिट बारनवापारा ऑल्सो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बारनवापारा इज वेरी डेवलप्ड, रिजॉर्ट रिजॉर्ट है वहां पे, आप जाइए और देखिए एक बार, नेशनल पार्क कितना सुंदर नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है हमारे। ठीक है, यहीं पे आपका बारनवापारा, जब जाते रहेंगे आप महासमुंद से, जब वो नेशनल हाईवे को मुड़ के वहीं पे आपको राइट में दिखेगा सिरपुर का बोर्ड, तो सिरपुर जाने का रोड है, तो यहाँ पे सिरपुर है, और सिरपुर के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सिरपुर। अब बारनवापारा से आपको बताया, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ बारनवापारा इज इन महासमुंद एंड सम पार्ट ऑफ बारनवापारा इज देयर इन बड़ौदा बाजार। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है कि बारनवापारा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आंसर लेना है महासमुंद, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम चंक ऑफ बारनवापारा सेंचुरी इज इन महासमुंद, इज इन महासमुंद। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सिरपुर। अब सिरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इट इज ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज चित्रांगदपुर इन एंशियंट टाइम, तो क्या बोलते थे, चित्रांगद, चित्रांगद, इसके बारे में एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हिस्ट्री जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो सिरपुर से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, लिखते चलिए, सिरपुर इज एट द बैंक ऑफ विच रिवर, पहला क्वेश्चन, महानदी, सिरपुर इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, सिरपुर इज एन रिलीजियस साइट, सिरपुर इज एन नेशनलिस्ट साइट, सिरपुर इज एन नेचुरल साइट, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में कहीं पूछते हैं, सब है सिरपुर। ठीक है, द नेक्स्ट इज, सिरपुर इज
जो चित्रांगदपुर मैंने बताया, द नेम ऑफ चित्र शिरपुर वॉज चित्रांगदपुर एट द महाभारत एरा। महाभारत एज में क्या नाम था शिरपुर का, अगर क्वेश्चन ने पूछता है तो ये था आपका क्या था, चित्रांगदपुर। और महाभारत के एरा के टाइम पे दिस चित्रांगदपुर और सिरपुर वॉज द कैपिटल ऑफ बभ्रुवाहन, एंड बभ्रुवाहन वॉज द सन ऑफ अर्जुना, एंड बभ्रुवाहन वॉज द सन ऑफ चित्रांगदा, एंड चित्रांगदा वॉज द वाइफ ऑफ अर्जुना। तो आपको समझ आया पूरा का पूरा स्टोरी, मैं जो बताना चाह रहा था आपको बता ही दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो महाभारत कैपिटल ऑफ, आप लिख सकते हैं भब्रुवाहन, हु वॉज द सन ऑफ अर्जुन। अर्जुन द कैरेक्टर ऑफ महाभारत आपको पता होगा ना, महाभारत उतना डीप में नहीं जा सकता, महाभारत आपको ना पता हो तो मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा महाभारत के बारे में। अर्जुन पांच थे ना पांडव, उनमें से थे, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज हाँ, कैपिटल ऑफ पांडु, पांडु डायनेस्टी का कैपिटल रहा है क्या सिरपुर। सरपुरिया डायनेस्टी ऑल्सो द कैपिटल ऑफ सरपुरिया डायनेस्टी। सरपुरिया किंग जो थे प्रवरसेन, ठीक है, प्रवरसेन के टाइम पे कैपिटल था ये, ठीक है। ऑल्सो सिरपुर इज अ साइट, इज अ रिलीजियस साइट ऑफ बुद्धिस्ट जैना एंड हिंदुइज्म, तीनों का था। तो अगर क्वेश्चन है पूछता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको सिरपुर से रिलेटेड हम जब देखते हैं तो बुद्धिज्म से रिलेटेड देखते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि इट इज ओनली बुद्धिस्ट साइट, तो गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए तीनों साइट है यहाँ, दैट इज रिलीजियस साइट दैट आर बुद्धिज्म रिलेटेड टू बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक है। जैनिज्म एंड आप ये लिख लीजिएगा, बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म प्लस हिंदुइज्म रिलीजियस प्लेसेस। एंड अब यहाँ पे आपका एक और इंपॉर्टेंट जगह है रिलेटेड टू बुद्धिज्म, दैट इज स्वास्तिक कुटीर विहार। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज आनंद कुटीर विहार, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप लोग लिख लीजिएगा, स्वास्तिक कुटीर विहार, ठीक है। दिस विहारा वॉज बिल्ट बाय आनंद प्रभु, और आनंद प्रभु कौन थे, आनंद प्रभु वॉज अ फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धा, बहुत शिष्य थे उनके, ठीक है। नेक्स्ट इज आनंद कुटीर विहार, दिस वॉज बिल्ट एट द टाइम ऑफ महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री पूरा डीपली पढ़ेंगे, अभी आप बस लिख लीजिए रिवीजन के टाइम में काम आएगा बाला अर्जुन। और यहाँ पे आपका आइडल ऑफ गौतम बुद्धा है, क्या है, मूर्ति है, ठीक है, किसका, गौतम बुद्धा जी की। अब जो आपका स्वास्तिक कुटीर विहार है उससे रिलेटेड एक अवधाना शतक, अवधाना शतक इज अ रिलीजियस टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक बुक ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, और उसमें ये लिखा हुआ है कि बुद्धा विजिटेड स्वास्तिक विहार, ठीक है, एट द टाइम व्हेन ही विजिटेड छत्तीसगढ़। तो ये हमको मालूम पड़ता है यहाँ से कि छत्तीसगढ़ में बुद्धा हैज विजिटेड देयर। ऑल्सो युएन सांग जो कि 635 में हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, उन्होंने भी लिखा है कि जो बुद्धा थे ही हैज विजिटेड द स्वास्तिक विहार, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या है, रानी वास्ता, रानी वास्ता मेड लक्ष्मण टेम्पल, दैट इज अ विष्णु टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर्षगुप्त, एंड हर्षगुप्ता वॉज कौन थे, क्या पांडु किंग थे। तो जो वहां पे एक टेम्पल है विष्णु लक्ष्मण टेम्पल जो है, दैट इज अ विष्णु टेम्पल, उसको किसने बनाया, पहला क्वेश्चन। तो रानी वास्ता ने बनवाया, और किसके लिए बनवाया, तो शी मेड इट इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड जिनका नाम था क्या, हर्षवर्धन। अब एक और क्वेश्चन पूछ बनता है, हर्षवर्धन कौन से डायनेस्टी से थे। तो हर्षवर्धन वॉज फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ पांडु, मैंने बताया ना पांडु का भी ये कैपिटल रहा है, ठीक है। और ये जो टेम्पल है ना लक्ष्मण टेम्पल, दिस लक्ष्मण टेम्पल, ये मैं क्यों आपको अलग से बता रहा हूं इतना डीपली, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन है पूछता है कि फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्मण टेम्पल बिल्ट बाय रानी वास्ता ऑन द मेमोरी ऑफ हर हर
बिलोव्ड हस्बैंड हर्षवर्धन फ्रॉम द पांडु डायनेस्टी द रेड ब्रिक टेम्पल, ठीक है, रेड ब्रिक टेम्पल एंड मेड इन नगरा स्टाइल। तो देखिए 5 से 7 क्वेश्चन एक लाइन में बनाए मैंने अभी अभी, ठीक है, कौन सा स्टाइल, तो नगरा स्टाइल, किसके मेमोरी में, हर्षवर्धन, फर्स्ट ब्रिक टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, कौन सा, विष्णु टेम्पल, मेड बाई रानी वास्ता, है कहां, सिरपुर में, ठीक है। चलिए मैंने कुदार डैम के बारे में आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे कुदार रिवर है, यहीं पे आपको पड़ता है कुदार डैम, ठीक है, कुदार डैम, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम क्या हो गया उसका, शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, शहीद वीर नारायण। अब शहीद वीर नारायण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बलौदा बाजार जब पढ़ेंगे, मां सोना खान से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे चीजें, तो फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे आप। चंडी मंदिर मैंने बता दिया आपको, बाघ बहरा गुचा पानी महासमुंद में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ये चंडी मंदिर, ये गुचा पानी, बाघ बहरा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू ये खल्लारी, खल्लारी के बारे में हमने नहीं पढ़ा ना, खल्लारी मैंने बनाया कि हाँ ये खल्लारी है ना, ये खल्लारी, तो अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे खल्लारी से रिलेटेड फैक्ट्स। खल्लारी, खल्लारी का महाभारत एरा में नाम था खल्लवाटिका। तो अगर क्वेश्चन पूछता है खल्लवाटिका कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो खल्लारी है आज का। और यहाँ पे आपका भीमखो है, भीम का पैर का निशान ऐसा बोला जाता है, तो यहाँ पे कहाँ पे भीमखो कहाँ है आपको पता होना चाहिए, भीमखो, द फुटप्रिंट ऑफ भीम, फुटप्रिंट ऑफ भीम, खो का मतलब निशान होता है पैर का, ठीक है, फुटप्रिंट ऑफ भीम, भीम भीम, ठीक है। ऑल्सो एक स्टोरी है ना लाक्षागृह का, जो दुर्योधन था, दुर्योधन कंस्पायर्ड टू किल द पांडव बाय बर्निंग देम, उनको जला के मारना चाहते थे, तो लाख जो लाख 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 होता है ना उसका उन्होंने क्या बनाया, महल बनाया, उनको बुलाया और जलाने की कोशिश की थी पूरे महल को। तो लाख जो होता है वो क्वेश्चन इस साल सीजीपीएससी में पूछा गया है, आप लोगों को ये पता हो कि लाख किससे बनता है, तो क्वेश्चन में आपके 3-4 ऑप्शन थे, पलाश, बेर, कुसुम, तो ये क्वेश्चन अब आ चुका है और कभी भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए उसको, ठीक है। तो ये किससे, कहां से क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, देखिए लाक्षागृह से क्वेश्चन उठा के पूछा लाख के बारे में किससे बनता है, ठीक है, हर चीज का रेलेवेंस होता है कभी पेपर में, लाक्षागृह, दुर्योधन, आप लिख लीजिए दुर्योधन कंस्पायर टू किल देम, छत्तीसगढ़ फर्स्ट इज फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लाख, लाख बनाने में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है, और किससे बनता है ये, तो पलाश एंड कुसुम, ठीक है। लाख एक्चुअली पेंट वुड में यूज होता है, डालते हैं और उसको पेंट वुड में ना कलर देने के लिए, जो वुड में आप शाइनिंग वाइनिंग करते हैं उस पे यूज होता है बेसिकली लाख, आप सबने देखा होगा चमकीला सा वो होता है लाख, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्ट, जो छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न छत्तीस पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का है, वो महासमुंद में है, उसका नाम है धारी डोंगरी, तो हाइएस्ट ईस्टर्न, तो शिशुपाल हिल मैंने ये बताया था ना आपको, ये शिशुपाल हिल यही है आपका, धारी डोंगरी, ठीक है। कितना मीटर है, 899 मीटर की हाइट है इसकी, एंड ये ईस्ट का सबसे हाइटेड है, ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं, ईस्ट का सबसे हाइटेड है, ठीक है। नाउ एक जगह आपका यहां है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इलाका मैंने नहीं बताया ना, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ महासमुंद इज बेलटुकड़ी। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ सत्याग्रह, जैसे हमने क्या है कि गरियाबंद ने पढ़ा क्या क्या, सिहावा नगरी, गाटा सिल्ली और उदरी नवा गांव सत्याग्रह, वैसे यहाँ पे भी आपके सत्याग्रह हैं, यहाँ पे तामोर पिंगला, तामोर पिंगला सत्याग्रह एंड लबरा सत्याग्रह, ठीक है। तो तामोर पिंगला सत्याग्रह से एक रिलेटेड स्टोरी है, दयावती एक चाइल्ड रहती है एंड शी स्लैप्ड द एसडीओ, द एसडीओ वो एंटर करने में, इन लोग को जंगल एंटर करने में इनको मना कर रहे थे, तो वो सब डिविजनल ऑफिसर को झापड़ मार देती हैं। तो ये तामोर पिंगला सत्याग्रह, तामोरा सत्याग्रह, सॉरी तामोरा सत्याग्रह जो है वो वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें लीडर होते हैं यति यतनलाल जैन एंड शंकर गुंडवाला, ठीक है। तो आपको ये तामोरा सत्याग्रह यार, सत्याग्रह पिंगले पिंगले बोल रहा था, तामोरा सत्याग्रह ये कब हुआ था, 9 सितंबर 1930, और यहीं पे आपका होता है दूसरा एक सत्याग्रह, मैंने क्या बताया लबरा सत्याग्रह, ये होता है 8th ऑफ सितंबर 1930,
1930। तो आप कहीं जमाएंगे तो पहले लाबरा सत्याग्रह होता है, उसके बाद आपका आएगा तमोरा पिंगला सत्याग्रह, ठीक है, तामोरा सत्याग्रह सॉरी, ठीक है। यहाँ मैंने स्टोरी आप लोगों को बता दी और लीडर आपको पता होना चाहिए। दयावती का एक नाम लिख लीजिए, रतुल जी दयावती किससे रिलेटेड सत्याग्रह से, तो आपको पता होना तामोरा से। और यहाँ मैंने आपको लीडर क्या बोला, यति यतनलाल जैन, ठीक है, एंड शंकर वाले, ठीक। और लबरा सत्याग्रह का क्या है, अमरिंदर गिरी, अरिमर्दन गिरी, सॉरी नाम मैंने गलत बोला, अरिमर्दन गिरी, ठीक है। तो ये सारी दोनों चीजें हो गई। खल्लारी से रिलेटेड और कुछ बचा यहाँ, हाँ खल्लारी से रिलेटेड एक और फैक्ट आप लिख सकते हैं कि 1415 में विष्णु टेम्पल यहाँ बनता है। विष्णु टेम्पल वॉज मेड इन खल्लारी बाय ब्रह्म देव राय, एंड ब्रह्म देव राय जो थे आपके 1415 में वॉज फ्रॉम द रायपुर ब्रांच ऑफ कलचुरी। कलचुरी के दो ब्रांच थे आपको पता होगा, पहले तो लाहौरी और त्रिपुरी थे, और यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में क्या रतनपुर और रायपुर, तो रतनपुर जो रायपुर ब्रांच के आपके किंग थे दैट वाज ब्रह्मदेव राय। एट दैट टाइम 1415 में विष्णु टेम्पल बनता है कहां, खल्लारी में, ठीक है। ऑल्सो ब्रह्मदेव राय बनाया किसने था, देवपाल मोची मेड द विष्णु टेम्पल, इनके टाइम पे बनाया था, ब्रह्मदेव राय के टाइम पे, जो कि रायपुर कलचुरी के लीडर थे। और किसने बनवाया था अगर क्वेश्चन आएगा ये विष्णु टेम्पल को, तो आपको पता होना चाहिए देवपाल मोची मेड दिस विष्णु टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। काफी सारे फैक्ट्स हमने देख लिए महासमुंद से, और कुछ रिलेटेड कुछ बचा है क्या महासमुंद से, तो हाँ चलिए, विवेक विवेक वर्धन आश्रम है, यहाँ एक लिख लीजिए आप, विवेक वर्धन आश्रम। ऑल्सो सेक्रेट प्लेस, और जो एक प्रे करने का जगह है वो बवनकारा, बवनकारा एक जगह है महासमुंद में, वहां पे एक आपका वो है क्या दरगाह है, और उस दरगाह का नाम आप लिख लीजिए हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्ला अलाही दरगाह। तो आपको ये मोटा मोटी पता होना चाहिए कहां पे है, तो बवन केरा, और बवन केरा कहां पे है, तो महासमुंद। चलिए, तो और एक आखिरी इंपॉर्टेंट मैंने बेल टुकड़ी बता दिया आपको क्या था, इंडस्ट्रियल प्लेस, और उसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया था बताना आपको, द जगह, ये काफी बार क्वेश्चन है पूछा है, घोडारी, घोडारी जो जगह है इज अ स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन महासमुंद कॉम्प्लेक्स। सो चलिए ये देख लीजिए आप लोग, महासमुंद से रिलेटेड सारी चीजें हमने जो आज पढ़ी हैं ये सारी चीजें हैं। सो गाइस, तो आप लोगों हम लोगों ने तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है धमतरी गरियाबंद और महासमुंद आज कंप्लीट कर लिया। ये आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में ये आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, धमतरी, धमतरी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आपको मैप में दिख गई। देन वी हैव रेड अबाउट गरियाबंद, एंड गरियाबंद से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ दिखी। और फिर आखिरी में हमने पढ़ा महासमुंद से, वेरी मच टेक, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। सो गाइज, आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है अगर, तो क्वेश्चन आपके अराइज हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड डू प्रिपेयर द नोट्स एंड फॉलो द क्लासेस।